हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। ब्लॉक टू का यूनिट टू स्टार्ट करेंगे आज, और इसमें हमारा जो यूनिट टू है इसमें सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी बंडूरा की डिस्कस करेंगे। एल्बर्ट बंडूरा का नाम हमने पहले सुना हुआ है सोशल लर्निंग थ्योरी के साथ। सोशल लर्निंग थ्योरी बोबो डॉल वाली थ्योरी है जो आपने पहले भी पढ़ी होगी मेरी वीडियोस में, और उसी का थोड़ा सा बेटर वर्जन है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, जो इन्होंने सोशल लर्निंग थ्योरी को ही और इम्प्रूव करके बनाई थी, तो उसका नाम रख दिया था सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ऑफ पर्सनैलिटी। इसके अंदर हम थ्योरी के मेन टेनेंट्स पढ़ेंगे और लर्निंग थ्योरी के अंदर क्या क्या था ऐसा, और क्या चीज़ और चेंजेस हुए हैं जिसको अब हम सोशल कॉग्निटिव थ्योरी बोलते हैं, वो डिस्कस करेंगे। तो इंट्रोडक्शन में लिखा हुआ है कि बहुत सारी थ्योरीज हैं जो ह्यूमन पर्सनालिटी को एक्सप्लेन करने के लिए बनाई गई हैं। सब थ्योरीज में कुछ ना कुछ अलग अलग डिफरेंस है, और इस थ्योरी में सोशल और कॉग्निटिव दोनों ही पर्सपेक्टिव को ज़्यादा डिस्कस किया हुआ है। सोशल मतलब दूसरों को देख के या दूसरों से इंटरेक्ट करके, कॉग्निटिव मतलब अपनी थिंकिंग को भी इन्वॉल्व करके उसके अंदर। कॉग्निटिव और जहाँ पे भी आए आप समझ लो कि अपनी इंटेलिजेंस की, अपनी थिंकिंग की बात हो रही है, तो अपने दिमाग का इस्तेमाल करके। तो ये दोनों चीज़ों को मिला के बंडूरा ने जो अपनी थ्योरी बनाई है सोशल कॉग्निटिव, उसके अंदर रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो डिस्कस करनी है, सेल्फ सिस्टम बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग तो वही पार्ट है जो हमने पहले भी बोबो डॉल में डिस्कस किया हुआ है। तो आगे चलते हैं, इसमें ऑब्जेक्टिव्स हमारे जो होंगे वो होंगे सोशल कॉग्निटिव अप्रोच को समझना, उसके करेक्टरिस्टिक फीचर्स, उसका कॉन्सेप्ट रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, और डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ सिस्टम जो कि नया एक टर्म इसमें ऐड हुआ है, ऑब्जर्वेशनल लर्निंग क्या चीज़ है, सेल्फ एफिकेसी का कितना रोल होता है लर्निंग के अंदर, और वाइकेरियस लर्निंग किसे बोला जाता है। स्टार्ट करते हैं थ्योरी से। सोशल कॉग्निटिव थ्योरी ये बोलती है कि लोग दूसरों को देख के सीख जाते हैं। आप किसी और को कोई चीज़ परफॉर्म करते हुए देखते हो तो आप उनको देख के सीख जाते हो। सो पीपल लर्न बाय वॉचिंग वॉट अदर्स डू, एंड ह्यूमन थॉट प्रोसेस आर सेंट्रल टू अंडरस्टैंडिंग पर्सनैलिटी। तो अगर हम किसी की पर्सनालिटी को समझने की कोशिश कर रहे हैं तो उसमें हमें ये दो चीज़ें याद रखनी है कि एक तो ह्यूमन दूसरों को देख के सीखते हैं, दूसरा उनका खुद का भी एक थॉट प्रोसेस होता है, अपना खुद का भी कुछ दिमाग होता है जो वो उस पर लगाते हैं, तो उनकी पर्सनालिटी, उनका बिहेवियर इस तरीके से शेप अप होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या चीज़ बोली जा रही है कि एक तो लर्निंग हो रही है, दूसरा अपना जो वो खुद से थॉट प्रोसेस लगा रहे हैं अपने आप से, वो भी हो रहा है साथ में। और यहाँ पे एक चीज़ और देखेंगे कि इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट ऐड कर दिया गया है, कि एनवायरनमेंट से भी अपने इंटरेक्ट करते हैं, क्योंकि जो चीज़ हम लर्न करते हैं वो उस टाइम पे हम किस एनवायरनमेंट पे है उस पर भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो हम जो चीज़ दूसरों को देख के लर्न कर रहे हैं उस टाइम हमारा एनवायरनमेंट हमारे ऊपर क्या इफ़ेक्ट कर रहा है, इस चीज़ का भी बहुत फ़र्क पड़ता है। तो ये जो सोशल कॉग्निटिव थ्योरी है इसमें जो नई चीज़ ऐड हुई है ऑब्जर्वेशनल लर्निंग की, वो ये हुई है कि एनवायरनमेंट का इफ़ेक्ट डाल दिया है कि हमारी लर्निंग के ऊपर हमारा खुद का, हमारी कॉग्निशन का और हमारे एनवायरनमेंट का भी फ़र्क पड़ता है। खाली देखने से ही हर कोई नहीं सीख जाता है, या देख के आप हर किसी को नहीं सिखा सकते। आप ज़बरदस्ती किसी को देखने के लिए बिठा दो कोई चीज़ तो वो जबरदस्त, आप ज़रूरी नहीं है कि वो सीखेगा लर्न करेगा, उस टाइम उसका कॉग्निशन और उसका एनवायरनमेंट भी उसके ऊपर इफेक्ट करेगा, उसके बेस पे उसकी लर्निंग होगी। अब यहाँ पे कॉन्टिन्यूस रेसिप्रोकल इंटरेक्शन होती है तीनों के बीच में। कौन सी तीन चीजें? कॉग्निटिव, बिहेवियर और एनवायरमेंटल डिटर्मिनेंट्स के बीच में। कॉग्निटिव, कॉग्निशन, बिहेवियर और एनवायरमेंट, इन तीन चीजों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्शन होता है, इसलिए इसको कॉन्टिन्यूस और रेसिप्रोकल इंटरेक्शन बोला है। कॉग्निटिव मतलब पर्सन, बिहेवियर मतलब उसका बिहेवियर, और एनवायरनमेंट जिस एनवायरनमेंट में, सिचुएशन में वो है, इन चीज़ों का आपस में इंटरेक्शन होता है उस टाइम पे जब वो लर्न कर रहा है, और कंटिन्यूसली होता है और रेसिप्रोकल इंटरेक्शन होता है। पीपल इंटरेक्शन विद द एनवायरनमेंट, बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड वंस ओन कॉग्निशन एक्ट एज अ चीफ फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। और जब पर्सनैलिटी की बात हो रही है तो लोगों की इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ,
दूसरे लोगों के साथ और उनकी कोग्निशन के साथ जब आपस में इंट्रैक्शन होता है, ये फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं उसकी पर्सनालिटी को बिल्ड करने के लिए। तो सबसे मेजर लाइन जो यहाँ पे इस थ्योरी को डिस्क्राइब कर रही है वो ये तीनों है, पीपल्स इंट्रैक्शन विद एनवायरनमेंट, बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड वंस ओन कॉग्निशन एक्ट एज अ चीफ फैक्टर इन इन्फ्लुएंसिंग डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी। कि पर्सनैलिटी को डेवलप करने के लिए तीनों का आपस में इंट्रैक्शन होना बहुत ज़रूरी है। ये तीनों ही फैक्टर्स इंडिपेंडेंट फैक्टर्स हैं और रेसिप्रोकल हैं। रेसिप्रोकल का मतलब एक दूसरे के ऊपर इफेक्ट करते हैं, ठीक है। मेन टेनेट्स ऑफ सोशल कॉग्निटिव थ्योरी में क्या बोल रही है, इसमें ये बोल रहे हैं कि कुछ प्रिंसिपल्स हैं जो डिफाइन करते हैं कॉग्निटिव थ्योरी को। वो क्या है? पहली चीज़, फर्स्ट प्रिंसिपल, पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, अ प्रोसेस नोन एज वाइकेरियस लर्निंग। ये वाइकेरियस लर्निंग के बारे में हम थोड़ा सा बाद में भी डिस्कस करेंगे, लास्ट टॉपिक जो है इस यूनिट का वो वाइकेरियस लर्निंग ही है। सो पीपल लर्न बाय ऑब्जर्विंग अदर्स, दूसरों को देख के सीखते हैं, जिसको हम वाइकेरियस लर्निंग बोलते हैं। ओके, एंड उसके बाद सेकंड जो प्रिंसिपल है इसका मेन, वो ये है कि पीपल आर मोर लाइकली टू फॉलो द बिहेवियर्स मॉडल्ड बाय समवन विद हुम दे कैन आइडेंटिफाई। और ज़्यादातर लोग उन लोगों का बिहेवियर मॉडल, जो लोग उनको अपना रोल मॉडल मानते हैं या जिन जिनसे वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं, जिनको लगता है कि उनके बीच में और इनके हमारे बीच में कुछ कॉमन है। आप सडनली किसी स्ट्रेंजर का बिहेवियर थोड़ी कॉपी करने बैठोगे, आप कुछ तो सिमिलैरिटी आपको लगेगी कि वो भी मेरी तरह स्टूडेंट ही है और वो ऐसे कर रहा है, उसके नंबर अच्छे आ रहे हैं तो मुझे भी ऐसे करना चाहिए, कुछ कॉमनैलिटी होनी चाहिए। तो आप उसी का बिहेवियर, उसी को अपना रोल मॉडल मानते हो, उसी का बिहेवियर कॉपी करते हो जिसके बीच, जिसका आपके साथ कुछ सिमिलैरिटी हो, या तो कोई इमोशनल अटैचमेंट हो, जैसे पेरेंट्स भी हो सकते हैं, इमोशनल अटैचमेंट भी हो सकती है। तो या तो कॉमनैलिटी होनी चाहिए या इमोशनल अटैचमेंट होनी चाहिए, तब हम उनका बिहेवियर ऑब्जर्व करके उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं या उनसे सीखने की कोशिश करते हैं। ओके, और तीसरी चीज़ जो यहाँ पे ये है कि द डिग्री ऑफ सेल्फ एफिकेसी, सेल्फ एफिकेसी कितनी है आपके अंदर, उस पे डिपेंड करता है कि आपकी लर्निंग कितनी होती है। सेल्फ एफिकेसी का मतलब आपके अंदर अपने ऊपर कितना बिलीव है कि आप कोई चीज करने के काबिल हो। सेल्फ एफिकेसी इज अ फंडामेंटल बिलीफ इन वंस एबिलिटी टू अचीव अ गोल। कि आपको लगता है अगर कि आप उस चीज को अचीव करने के लायक हो, उसका मतलब आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी है, तो आपकी लर्निंग प्रोसेस को वो डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अगर आपके अंदर सेल्फ एफिकेसी नहीं है तो आप उस चीज़ को लर्न नहीं करने में इंटरेस्ट नहीं रखते हो। अब ये तीन प्रिंसिपल्स मेन थे जो कॉग्निटिव थ्योरी में से डिराइव हुए, कि दूसरों को देख के सीखते हैं और किसको देखते हैं, जो हमारे जैसा हो और जिससे हम आइडेंटिफाई कर पाए, या इमोशनल अटैचमेंट हो जिसके साथ, या फिर हमारे अंदर एक सेल्फ एफिकेसी हो कि हम वो चीज़ कर सकते हैं। फिर वापस आते हैं सोशल लर्निंग थ्योरी जो हमने पहले पढ़ी हुई है बंडूरा की। लर्निंग थ्योरी से आपको याद आ जाना चाहिए कि बोबो डॉल एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था बच्चों के ऊपर, ये दिखाने के लिए कि किस तरीके से दूसरे को देख के बच्चे लर्न करते हैं। तो लर्निंग थ्योरी क्या कहती है कि ह्यूमन बिहेवियर इज लार्जली एक्वायर्ड। एक्वायर्ड मीन्स सीखा हुआ है बिहेवियर, कुछ भी जेनेटिक नहीं है, बायोलॉजिकल नहीं है, कोई भी चीज़ पहले से हमारे अंदर नहीं होती, हम सारा बिहेवियर सीखते हैं, लर्न करते हैं लर्निंग की प्रोसेस से, ठीक है। इसी थ्योरी को बाद में रिसेंटली नेम कर दिया है सोशल कॉग्निटिव थ्योरी, और सोशल कॉग्निटिव थ्योरी के अंदर जो चीज़ें ऐड हो गई है वो मैं आपको बता चुकी हूँ, कि उसमें कॉग्निशन के बारे में ऐड हो गया है कि वो अपने कॉग्निटिव फैक्टर्स को भी यूज़ करता है पर्सन लर्न करते टाइम। इसमें मोटिवेशनल फैक्टर्स होना ज़रूरी है, सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म होना ज़रूरी है, जो चीज़ आपको मोटिवेट करे लर्न हो, कोई भी चीज़ लर्न करने में। और सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म मतलब जो आपके बिहेवियर को रेगुलेट करे, प्लस एनवायरनमेंट तो है ही। तो ये कॉग्निटिव थ्योरी थोड़ी सी एक्सपैंड कर दिया, मतलब लर्निंग थ्योरी में सिर्फ इतना था कि भाई बिहेवियर लर्न करा जाता है और उसको देख के हम सीखते हैं।
कॉग्निटिव थ्योरी में इन्होंने दो तीन चीज़ें और एक्स्ट्रा डाल दी हैं कि कॉग्निशन का भी रोल होता है, मोटिवेशनल फैक्टर्स भी होते हैं, सेल्फ रेगुलेटरी मैकेनिज्म भी होते हैं, बिहेवियर भी होता है अपना और दूसरों का, और एनवायरनमेंट भी होता है। तो काफ़ी सारे फैक्टर ले लिए अगेन, लेकिन बायोलॉजिकल फैक्टर इसमें इंक्लूडेड नहीं है अभी भी, कि बायोलॉजिकली हमारे अंदर कोई चीज़ होती है, सब चीज़ें हम लर्न करते हैं ये अभी भी बोल रहे हैं। हाँ, कॉग्निटिव फैक्टर ज़रूर है कि कॉग्निटिवली भी हम थोड़े सी चीज़ों को जज करते हैं। थ्योरी को तीन हेडिंग्स में डिस्क्राइब करेंगे। पहला है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, जो सबसे मेन इम्पॉर्टेंट पार्ट है इस थ्योरी का, रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म। ये जो तीन आपको नीचे ट्रायंगल दिख रहे हैं उसमें तीन चीज़ें दिख रही हैं, पी यानी पर्सन, ई यानी एनवायरनमेंट, बी यानी कि बिहेवियर, ये आपस में रेसिप्रोकल है। इस बुक में दो ही साइड में एरो दिए थे जबकि तीनों साइड होते हैं एरोस, तो मैंने यहाँ एक ड्रॉ कर दिया है। तो ये इस तरीके से एक दूसरे को इफेक्ट कर रहे हैं, रेसिप्रोकल है। इस मॉडल को हम रेसिप्रोकल कॉजेशन मॉडल भी बोलते हैं, तो कभी इस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है कि व्हाट इज़ रेसिप्रोकल कॉजेशन मॉडल। तो आपने उसमें ये थ्योरी समझानी है जिसमें ये दिया हुआ है रेसिप्रोकल डिटर्मिनिज्म, और सिंपली देख के आपको पता चल रहा होगा कि यहाँ पे क्या दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि पर्सन यानी कि उसकी कॉग्निशन, पर्सन का मतलब कॉग्निशन समझ लो आप, आपकी इंटेलिजेंस। तो कॉग्निशन, उसका एनवायरनमेंट और बिहेवियर एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे को इफेक्ट करते हैं। तीनों की स्ट्रेंथ इक्वल हो ये ज़रूरी नहीं है, ये ऑपोजिट है, एक दूसरे के इक्वल नहीं है। तो ऐसे भी हो सकता है कई बार कॉग्निशन ज़्यादा स्ट्रांग हो किसी सिचुएशन में, किसी सिचुएशन में एनवायरनमेंट का फैक्टर ज़्यादा हो, किसी में बिहेवियर का फैक्टर ज़्यादा हो। तो Not all are equal in strength, और हमेशा ही वो simultaneously नहीं करते एक दूसरे को इफेक्ट। कभी सिर्फ P और E होता है, कभी सिर्फ B और E होता है, कभी P और B होता है, simultaneously तीनों चीज़ें नहीं करती हैं। तो दो इसमें पॉइंट लिखने ज़रूरी हैं, एक तो नॉट ऑल आर इक्वल, इन तीनों की स्ट्रेंथ इक्वल नहीं है, कभी कोई स्ट्रांग होता है, कभी कोई, कभी सिचुएशन ज़्यादा स्ट्रांग होती है, कभी आपकी कॉग्निशन ज़्यादा स्ट्रांग होती है। तो इसलिए एक तो ये इक्वल है लेकिन स्ट्रेंथ में इक्वल नहीं है, ऑपोजिट है। दूसरा, ये हमेशा नहीं एक दूसरे को एग्जर्ट करते इफेक्ट, ये सिचुएशन टू सिचुएशन पे डिपेंड करता है। तो बी रिप्रेजेंट बिहेवियर, पी पर्सनल फैक्टर्स इन द फॉर्म ऑफ कॉग्निशन, इफेक्टिव एंड बायोलॉजिकल इवेंट्स, ई रिप्रेजेंट एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। जैसे अगर पी और बी की बात करें तो इसमें रेसिप्रोकल कॉजेशन क्या है कि इंटरेक्शन बिटवीन थॉट, अफेक्ट एंड एक्शन। थॉट एंड अफेक्ट क्या हो गया, आपका कॉग्निशन हो गया थॉट एंड अफेक्ट यानी कि पर्सन, और एक्शन क्या हो गया, आपका बिहेवियर हो गया। तो जब इन दोनों के बीच में इंटरेक्शन हो रही है, थॉट इफेक्ट के बीच में और एक्शन के बीच में, कि जो आप सोच रहे हो वही आप एक्चुअली में कर रहे हो। ई और पी क्या हो गया, जब इंट्रैक्शन किसके बीच में हो रही है, आपके पर्सनल करेक्टरिस्टिक्स और एनवायरनमेंट के बीच में। और बी और ई क्या हुआ, जब आपका बिहेवियर और आपके एनवायरनमेंट में इंट्रैक्शन हो रही है। तो इस तरीके से ये तीनों आपस में एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं और इसी इंट्रैक्शन का जो नतीजा होता है वो होती है सोशल, जो आपको लर्निंग होती है, और जो आपकी पर्सनैलिटी जो बनती है वो इसी इंट्रैक्शन की वजह से बनती है। एक लाइन इसमें और इम्पॉर्टेंट है कि पीपल आर बोथ प्रोडक्ट एंड प्रोड्यूसर्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट, कि लोग अपने एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट भी हैं और प्रोड्यूसर भी हैं, कि जैसी सिचुएशन हमारे लाइफ में आती है, जैसे सरकमस्टेंसेस हमारे लाइफ में आते हैं, एक तो हम उनकी वजह से बनते हैं वैसा जैसे हम हैं, दूसरा हम खुद इस तरह की सिचुएशंस अपनी लाइफ में लेके आते हैं। तो दोनों चीज़ें हैं, एक तो आपके खुद के डिसीजंस, आपके खुद का बिहेवियर ऐसा होता है जो इस तरह के सरकमस्टेंसेस आपकी लाइफ में लेके आता है, आपकी चॉइसेस होती हैं। दूसरा ये होता है कि उसी चीज़ों की वजह से आपका बिहेवियर वो होता है, चेंज होता है और आपकी पर्सनालिटी बनती है। तो बिहेवियर एनवायरनमेंट को इफेक्ट करता है, एनवायरनमेंट बिहेवियर को इफेक्ट करता है, और यही चीज़ें आपकी कॉग्निशन को इफेक्ट करती हैं। तो ये तीनों चीज़ें एक दूसरे को कॉज भी कर रही है और एक दूसरे का इफेक्ट भी है। समझ आ गया कि तीनों ही एक दूसरे का कॉज भी है और तीनों ही एक दूसरे का इफेक्ट भी है।
तो रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन में क्या तीन चीजें डिस्कस करी हैं, कॉग्निटिव, बिहेवियर और एनवायरमेंटल फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस ईच अदर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो आपने इस थ्योरी में समझाना है। फिर आता है सेल्फ सिस्टम। सेल्फ सिस्टम का मतलब ये है कि ये जो रेसिप्रोकल डिटर्मिनेशन है, इसका स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, कैसे शुरुआत होती है इसकी। तो ये कहते हैं कि सेल्फ सिस्टम है ना, ये इसका स्टार्टिंग पॉइंट है, सेल्फ सिस्टम की वजह से स्टार्ट होती है। और सेल्फ सिस्टम क्या है, कलेक्शन ऑफ एक्सपीरियंसेस दैट हेल्प अस टू इवेलुएट ओन बिहेवियर एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंसेस हैं जो हमें अपने खुद के बिहेवियर को इवेलुएट करने में हेल्प करते हैं कि हम ठीक बिहेव कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। एक सिस्टम है, अपने आप को सिस्टमाइज रखने का एक तरीका है। सो इसके अंदर परसेप्शन, इवैल्यूएशन और रेगुलेशन ऑफ बिहेवियर आ जाता है। ये इसके फंक्शंस हैं, हम कैसे परसीव कर रहे हैं चीज़ों को, कैसे इवैल्यूएट कर रहे हैं क्या चीज़ ठीक है क्या गलत है, और कैसे हम अपने बिहेवियर को रेगुलेट कर रहे हैं। तो ये सेल्फ सिस्टम है जो हमारे पूरे पर्सनैलिटी को कंटेन्ड रखता है। और हमारे बिहेवियर को अगर कोई एक्सप्लेन करेगा तो वो इसी सेल्फ सिस्टम के बेस पे करेगा। अब ये सेल्फ सिस्टम के अंदर क्या तीन चीज़ें आ जाती हैं, एक आ जाता है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, दूसरा जजमेंट, तीसरा सेल्फ रिस्पॉन्स। सेल्फ ऑब्जर्वेशन का मतलब हम अपने आप को देखते हैं कि हमारा बिहेवियर कैसा है और उस पर टैब रखते हैं कि हम अपना बिहेवियर जो है एक लिमिट के अंदर रखें, उससे बाहर नहीं जाना चाहिए। तो कैसे सोशली बिहेव करना है, किस तरीके से सोसाइटी में रहना है, तो वो चीज़ होती है सेल्फ ऑब्जर्वेशन, कि हम अपने आप को ऑब्जर्व कर रहे हैं और अपने बिहेवियर को चेक में रख रहे हैं कि हम कैसे बिहेव कर रहे हैं। दूसरी चीज़ है जजमेंट, कि हम जज करते हैं अपने बिहेवियर को कि क्या हमारा बिहेवियर वैसा ही है जैसा एक सोसाइटी के एटिकेट्स होते हैं, क्या हम अपने वैल्यूज़ के अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे हैं। और हम दूसरों से कंपेयर करते हैं अपने बिहेवियर को कि क्या हमारा बिहेवियर एक स्टैंडर्ड बिहेवियर से मैच हो रहा है कि नहीं हो रहा है। इस तरीके से तो जजमेंट कर रहे हैं, अपने आप को जज कर रहे हैं। और अगर कई बार क्या होता है कि हम अपने बिहेवियर को स्टैंडर्ड से भी ऊपर ले जाते हैं, जैसे एक होता है कि आई विल रीड अ बुक इन अ वीक और वी कैन कम्पीट विद अदर्स और विद आर सेल्फ। एक हो गया आपने जज कर, एक अपने आप को वो करा, सोचा कि हम इतनी देर में काम करेंगे, या फिर आप उस स्टैंडर्ड से भी अपने आप को ऊपर ले जाओगे कि हम दूसरों से कंपटीशन करके उससे भी और जल्दी करेंगे। तो ये जजमेंट हम करते रहते हैं अपने हर काम के साथ। जब भी हम कोई काम कर रहे हैं ऑफिशियली या कुछ, तो हम देखते हैं कि हमारा काम दूसरों से बेटर हो रहा है या नहीं हो रहा है, क्या हमें नॉर्मली जैसे होता है वैसे ही करना है या दूसरों से कॉम्पिटिशन करके और ज़्यादा बेटर बनना है। फिर आता है सेल्फ रिस्पॉन्स। सेल्फ रिस्पॉन्स का मतलब जब हम दूसरों के साथ अपने आप को कंपेयर करते हैं और हमें लगता है कि हम अच्छा कर रहे हैं तो हम अपने आप को रिवॉर्ड देते हैं, और अगर हमें लगता है हम अच्छा नहीं कर रहे तो हम अपने आप को पनिश करते हैं। तो या तो आप अपने आप को रिवॉर्ड दो या अपने आप को पनिश करो। पनिशमेंट इन द फॉर्म ऑफ कि आप गिल्ट फील कर रहे हो या आपको शेम फील हो रहा है इस टाइप से। और फिर आता है लास्ट में सेल्फ एफिकेसी, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है आपके सेल्फ सिस्टम में। अगर आपके अंदर एक किसी चीज़ को लेके हाई सेल्फ एफिकेसी है, तो आप उस चीज़ को लर्न करने में पीछे नहीं हटते, आप इंटरेस्ट लेके आगे बढ़ते हो, लर्न करते हो। और हाई सेल्फ एफिकेसी मतलब आप अपने स्टैंडर्ड्स को मीट करते हो, अपने आप को प्रेज करते हो, रिवॉर्ड देते हो। और वही अगर सेल्फ एफिकेसी कम हो जाए तो आप फेल हो जाते हो किसी काम में, और फिर आप अपने आप को पनिश करते हो, आपका जो सेल्फ कॉन्सेप्ट है वो नेगेटिव बन जाता है। सेल्फ एफिकेसी को थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे। बंडूरा ने सेल्फ एफिकेसी को काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंस दी है, क्योंकि वो कहते हैं कि ये बिलीफ होता है कि कोई एक चीज़ आप अचीव कर पाते हो या नहीं, एक बिलीफ होता है अंदर खुद के, और ये बहुत ज़रूरी होता है उस चीज़ को सीखने के लिए। तो रोल ऑफ सेल्फ एफिकेसी क्या है, लिखा है कि पीपल कैन आइडेंटिफाई गोल्स दे वॉन्ट टू अकम्प्लिश एंड थिंग्स दे वुड लाइक टू चेंज एंड थिंग्स दे वुड लाइक टू अचीव। हाउएवर मोस्ट ऑल्सो रियलाइज दैट पुटिंग दीज प्लान्स इन टू एक्शन इज नॉट क्वाइट सो सिंपल। तो लोग सोच तो लेते हैं उन्होंने क्या करना है, लेकिन कुछ लोग उस चीज़ को रियलाइज करते हैं कि इतना आसान भी नहीं है।
अब जिनके अंदर सेल्फ एफिकेसी है अपने अपने लिए, वो लोग उस चीज़ को एक्चुअली में चैलेंज मान के एक्सेप्ट करके परफॉर्म करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जिनके अंदर नहीं है वो उस चीज़ से भागते हैं। इन्होंने करेक्टरिस्टिक्स दिए हैं कि लोगों के अंदर जिनके अंदर हाई सेल्फ एफिकेसी है, स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी है, उनकी करेक्टरिस्टिक्स कैसी होती हैं। तो ये वो लोग होते हैं जो दे व्यू चैलेंजिंग प्रॉब्लम्स एज टास्क टू बी मास्टर। जब भी कोई चैलेंज आता है वो सोचते हैं कि हमें इसमें मास्टरी करनी है, इस चैलेंज को सॉल्व करना है। दे डेवलप डीपर इंटरेस्ट इन द एक्टिविटी दे पार्टिसिपेट। जो भी पार्टिसिपेट करते हैं वो जिस एक्टिविटी में भी, उसमें वो बहुत इंटरेस्ट लेके करते हैं। दे फॉर्म अ स्ट्रॉन्गर सेंस ऑफ कमिटमेंट। अपनी एक्टिविटीज़ के साथ वो एक स्ट्रॉन्ग कमिटमेंट बना लेते हैं, उसको बीच में नहीं छोड़ते। एंड दे रिकवर क्विकली फ्रॉम सेटबैक। और किसी भी सेटबैक से, फेलियर से वो बहुत जल्दी रिकवर हो जाते हैं। ऑन दी अदर हैंड, जिनके अंदर वीक सेल्फ एफिकेसी होती है वो किस टाइप के लोग होते हैं? जो चैलेंज को अवॉइड करते हैं पहले, क्योंकि उनको लगता है वो कर ही नहीं पाएंगे। डिफ़िकल्ट टास्क आ जाए या सिचुएशन आ जाए तो उन्हें लगता है कि वो उनकी कैपेबिलिटी में आता ही नहीं है, वो कर ही नहीं सकते उसको। वो अपने फेलिंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं, नेगेटिव आउटकम्स पे ज़्यादा फोकस करते हैं। वो नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं कि हम पिछली बार भी हार गए थे, इस बार भी नहीं कर पाएंगे। अब ये नहीं सोचते कि हम आगे बेटर कर सकते हैं, और वो अपना कॉन्फिडेंस बहुत जल्दी लूज कर जाते हैं। अब इस तरह के लोग लर्निंग करने में भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करते हैं, नई चीज़ें लर्न करने में भी, क्योंकि उनके अंदर सेल्फ एफिकेसी नहीं होती है। और यही नेगेटिव थॉट, यही कॉग्निशन, नेगेटिव कॉग्निशन उनके बिहेवियर में भी दिखता है। और इसी बिहेवियर की वजह से उनका एनवायरनमेंट भी उसी तरह का होता है कि वो बहुत नेगेटिविटी में रहते हैं। सोर्सेज ऑफ सेल्फ एफिकेसी, के अपने अंदर आप सेल्फ एफिकेसी कैसे इंक्रीज कर सकते हो, तो क्या मेजर सोर्सेज हैं? पहले तो मास्टरी एक्सपीरियंसेस। आप अपने एक्सपीरियंसेस को, अपने जितने भी चीज़ें आप जो परफॉर्म करते हो अपनी लाइफ में, एक्सपीरियंस करते हो, उसमें मास्टरी करो। आप उन चीज़ों को और अच्छा करने की कोशिश करो, उसके अंदर और डेवलपमेंट करो, उन चीज़ों को और बेटर करो, अपनी स्ट्रेंथ को और ज़्यादा बढ़ाओ। इससे क्या होगा, आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आएगा, एक चैलेंज लेने का आपके अंदर एक वो आएगा, हिम्मत आएगी। तो मास्टरी करना अपने एक्सपीरियंसेस में, ये एक तरीका है सेल्फ एफिकेसी इंक्रीज करने का। दूसरा, सोशल मॉडलिंग। सोशल मॉडलिंग होता है जब आप किसी और को देखते हो जो आप ही की तरह है, आप ही का क्लासमेट है, आप ही का फ्रेंड है, वो कोई चीज़ ऐसी अचीव कर लेता है जो आपको पहले लग रहा था नहीं हो सकती, तो आपके अंदर भी हिम्मत आती है कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। तो एक वो चीज़ हो जाती है कि सोशल मॉडलिंग के, दूसरों को देख के आपका मन कर जाता है कि नहीं, अब हम भी करेंगे और इसको हम भी सक्सीड होंगे उस चीज़ में, तो आप भी फिर एफर्ट लगाते हो उस चीज़ में। फिर आता है सोशल परसुएशन। परसुएशन मतलब, सपोज़ आपको किसी ने बहुत परसुएट कर दिया कि वो आपके अंदर पूरा विश्वास करते हैं कि आप वो चीज़ उस चीज़ में सक्सीड हो जाओगे, वो आपके अंदर एक पॉजिटिविटी डालते हैं, आपको एनकरेज करते हैं। कुछ लोग जो आपसे बहुत क्लोज हैं, वर्बल एनकरेजमेंट करते हैं बोल के कि आप कर सकते हो, आपके अंदर कैपेबिलिटी है करने की, इस तरीके से आपको एनकरेज करते हैं। तो उस परसुएशन से आप परसुएड हो जाते हो और आप अपना पूरा एफर्ट लगाते हो। फिर आता है साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स। साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स में आपके अपने मूड और इमोशनल स्टेट्स होते हैं, आपकी स्ट्रेस लेवल होते हैं। कई बार इस तरह के मूड नहीं होता लोगों का कि वो किसी चीज़ में इन्वॉल्व हो, या स्ट्रेस इतना ज़्यादा होता है उस टाइम पे। तो आपका अपना साइकोलॉजिकल कंडीशन किस टाइप की है, इस पे भी डिपेंड करता है कि सेल्फ एफिकेसी इम्प्रूव करने के लिए आपकी सिचुएशन है या नहीं है। सो पर्सन हु बिकम्स एक्सट्रीमली नर्वस बिफोर स्पीकिंग इन पब्लिक में डेवलप अ वीक सेंस ऑफ सेल्फ एफिकेसी। अब जो पब्लिक में बोलने से पहले नर्वस हो जाता है, तो उसके अंदर तो सेल्फ एफिकेसी जो है कम होगी ही उस चीज़ को लेके, क्योंकि उसका साइकोलॉजिकल रिस्पॉन्स क्या है कि वो बहुत नर्वस हो जाता है। तो यहाँ पे भी बहुत फर्क आ जाता है कि सेल्फ एफिकेसी कितनी है आप में। प्रिंसिपल ऑफ ऑब्जर्वेशन लर्निंग, जो हमने लर्निंग थ्योरी पढ़ी है ऑब्जर्वेशन लर्निंग, उसके क्या प्रिंसिपल्स थे? उसमें ये था कि जो सोशल लर्निंग कैन अकर सिंपली थ्रू ऑब्जर्वेशन ऑफ मॉडल इन द एब्सेंस ऑफ रीइंफोर्समेंट।
अगर आपको वो एक्सपेरिमेंट याद हो तो उसमें वो बच्चे उस बोबो डॉल को देखते हैं कि कोई उसे मार रहा है, और जब वो खुद उस रूम में जाते हैं जिसमें वो डॉल होती है तो वो उसको मारना शुरू कर देते हैं, जबकि उनको कोई रीइन्फोर्समेंट नहीं मिल रही होती, कोई रिवॉर्ड नहीं मिल रहा होता उसको मारने के लिए। तो लर्निंग हो बिना रीइन्फोर्समेंट के भी हो सकती है, बिना रिवॉर्ड के भी लर्निंग हो सकती है। दूसरा ये है कि लॉज ऑफ रीइन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट आर मोर रेलेवेंट टू परफॉर्मेंस देन टू एक्विजिशन। बंडूरा ये कह रहे हैं कि रीइन्फोर्समेंट और पनिशमेंट तो तब देनी होती है जब आप उसको परफॉर्म करने के लिए बोलो। लर्निंग तो देख के ही हो गई, क्या पता वो चीज़ परफॉर्म करें या ना करें। हो सकता है बच्चों ने, सबने देखा हो, लेकिन अंदर जाके एक दो बच्चे ही हों जो उसको मार रहे हैं, बाकी बच्चे अपना आराम से बैठे हैं, लेकिन लर्निंग तो उनकी भी हुई है ना। तो अगर परफॉर्मेंस करवानी है तो उसके लिए रीइन्फोर्समेंट या पनिशमेंट की ज़रूरत पड़ती है, लर्निंग के लिए नहीं। लर्निंग या एक्विजिशन तो ऐसे ही हो जाती है देख के, लेकिन एक्चुअली में वो कब ऐसा करेंगे, जब उनको कोई रीइन्फोर्समेंट या कोई रीज़न मिलेगा करने के लिए। पीपल लर्न अ ग्रेट डील सिंपली बाय वॉचिंग। तो खाली वॉच करके बहुत चीज़ें सीख जाते हैं लोग, बट लर्निंग मे और मे नॉट बी डेमोन्स्ट्रेटेड इन द फॉर्म ऑफ बिहेवियर। ज़रूरी नहीं है कि जो वो सीख रहे हैं वो एक्चुअली में परफॉर्म करेंगे अपने बिहेवियर में। आप टीवी में बहुत सारी चीज़ें देख के सीख जाते हो, आप देखते हो स्मोकर्स को टीवी में, तो आप स्मोकिंग कैसे करी जाती है आप देख के वॉच करते हो, लेकिन क्या आप एक्चुअली में करने लग जाते हो उस चीज़ को? नहीं करते ना। तो लर्निंग हो सकती है लेकिन परफॉर्मेंस नहीं होती है, ज़रूरी नहीं परफॉर्मेंस हो। तो ये बोबो डॉल का जो एक्सपेरिमेंट था, इनका काफ़ी पॉपुलर हुआ था इस चीज़ के लिए। ये सबसे ज़्यादा बैंड्यूरा इसी चीज़ के लिए फेमस हुए थे, जो इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था बोबो डॉल वाला। अगर किसी को ये एक्सपेरिमेंट नहीं पता है तो मेरी पुरानी वीडियोस में जाके आप इस एक्सपेरिमेंट को देखो। और ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों माना गया था एक्सपेरिमेंट, क्योंकि यहाँ पे बच्चों के बिहेवियर के अंदर उनको चेंज नज़र आया था विदाउट बीइंग रिवॉर्डेड, मतलब रिवॉर्ड मिलने के, जबकि इससे पहले क्लासिकल कंडीशनिंग वगैरह की बात होती थी तो यही बोला जाता था कि जब रिवॉर्ड देंगे तो ही बिहेवियर आएगा। तो यहाँ पे देखा गया कि बिना रिवॉर्ड के भी लर्निंग हो गई। तो इस फिनोमिना को बंड्यूरा ने ऑब्जर्वेशनल लर्निंग और मॉडलिंग के नाम से बोला, और थ्योरी को बोल दिया था सोशल लर्निंग थ्योरी। इसके उन्होंने चार कॉन्सेप्ट बताए थे, चार स्टेप्स बताए थे। पहली चीज़ होती है अटेंशन, कि जब आपने कोई चीज़ देख के सीखनी है तो उसमें सबसे पहले आप उस चीज़ को अटेंशन दो, उसको ध्यान से देखो। अगर आप अटेंशन ही नहीं दोगे उसकी तरफ तो आप कैसे लर्न करोगे? तो अगर आप कोई चीज़ सीख रहे हो तो आप उसको लर्न, पहले आप उसको अटेंशन दोगे ना, तो आपने अटेंशन देनी है उस चीज़ पे, ऑब्जर्व करना है ध्यान से। और इन्होंने बोला कि अटेंशन ग्रैब करने के लिए क्या होता है कि जो मॉडल है, जो वो उस चीज़ को परफॉर्म कर रहा है, वो थोड़ा सा अट्रैक्टिव होना चाहिए, कलरफुल होना चाहिए, ड्रामेटिक होना चाहिए, तभी लोग ध्यान देंगे। नॉर्मल सा होगा, बोरिंग सा, तो इतना अटेंशन नहीं देंगे। फिर है रिटेंशन। रिटेंशन मतलब उस चीज़ को फिर याद रखो, जब आपने उस चीज़ को माइंड में अपने रिटेन कर लिया, याद रखा, तभी आप एक्चुअली में कभी ज़रूरत पड़ेगी तो उस चीज़ को परफॉर्म कर पाओगे। तो उसके अपने माइंड में इमेजेस बना लो, मेंटल इमेजेस बना लो, साउंड के फॉर्म में याद रखो। कोई रेसिपी है अगर तो उसकी साउंड की तरह उसको याद रखो, किसी भी तरीके से रिटेंशन उसकी करो। तीसरी चीज़ इन्होंने बोली कि रिप्रोडक्शन, कि बाद में जब एक्चुअली में बिहेवियर आपने शो करना है तो उसको सेम आपने रिप्रोड्यूस करना है, जो आपने देखा आपने वही चीज़ करके दिखानी है। उसके लिए आपके पास स्किल होना चाहिए करने का। आपके पास अगर वो स्किल नहीं है तो आप उस चीज़ को इमिटेट नहीं कर पाओगे, रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे। आप कोई ऐसी लैंग्वेज देख रहे हो जो आपको नहीं आती और आपको बोला जाए आप उसको रिटेन करके रिप्रोड्यूस करो, तो आप जितना भी रिटेन कर लो आप रिप्रोड्यूस नहीं कर पाओगे ना, क्योंकि आपके अंदर स्किल नहीं है, वो लैंग्वेज आपने नहीं सीखी। तो ऐसे ही स्किल होना ज़रूरी है। फिर मोटिवेशनल प्रोसेस बहुत इम्पॉर्टेंट है, कि आपको या तो कोई रिवॉर्ड मिलना चाहिए उस चीज़ को परफॉर्म करने के लिए, तभी तो आप करोगे। तो आपके अंदर एक रीइन्फोर्समेंट, आपको एक रीइन्फोर्समेंट मिले, मोटिवेशन मिले, तभी आप उस बिहेवियर को शो करो। सो रीइन्फोर्समेंट एंड पनिशमेंट प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन मोटिवेशन। तो मोटिवेशन में रीइन्फोर्समेंट और पनिशमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है। मोटिव्स किस तरह के होते हैं जिससे आप मोटिवेट होते हो? एक होता है पास्ट रीइन्फोर्समेंट,
पास्ट रीइन्फोर्समेंट मतलब पहले कभी किसी को उस चीज का रीइन्फोर्समेंट देते हुए आपने देखा है तो आपको लगता है आपको भी मिलेगा। प्रॉमिस रीइन्फोर्समेंट मतलब आप इमेजिन कर रहे हो कि आपको मिल सकता है, जैसे इंसेंटिव। विकेरियस रीइन्फोर्समेंट मतलब कि आपने देखा है किसी को लेते हुए तो आपको भी मिलेगा। ऐसे ही नेगेटिव मोटिवेशन में क्या होता है, किसी को पनिशमेंट पहले मिली हुई है अगर तो आपको लगेगा आपको मिलेगा। प्रॉमिस पनिशमेंट मतलब आपको लग रहा है कि मिल सकती है, थ्रेट्स है, आपको थ्रेट है उस चीज का। और वाइकेरियस मतलब आपने देखा है एक्चुअली में किसी को लेते हुए। फिर वाइकेरियस लर्निंग पे आते हैं क्योंकि ये वर्ड बार बार आ रहा है ऊपर। तो एक्चुअली वाइकेरियस लर्निंग होती क्या है, अगर सिंपल लैंग्वेज में बोला जाए तो वाइकेरियस लर्निंग का मतलब है दूसरों को देख के सीखना। पर ऑब्जर्वेशन लर्निंग और वाइकेरियस लर्निंग में एक थोड़ा सा फर्क है। वाइकेरियस लर्निंग में क्या होता है कि हम अपना दिमाग बिल्कुल ही नहीं लगाते, अगर मैं सीधे तरीके से बोलूँ तो। ऑब्जर्वेशनल लर्निंग में हम थोड़ा सा, हमने देखो किसी को देखा कुछ परफॉर्म करते हुए, उसमें हम थोड़ा सोचेंगे कि हमारे शायद हम ये ना कर पाए, शायद ये हमारे लिए रिस्की हो। सपोज कोई है जो आग से खेल रहा है और आप सोच रहे हो कि ये तो हम भी कर सकते हैं जिस तरीके से ये आग से खेल के दिखा रहा है कुछ एक्टिविटी करके, लेकिन आपने ऑब्जर्वेशन लर्निंग तो कर ली पर फिर भी आपने सोचा कि ये रिस्की हो सकता है, इसको नहीं करना चाहिए। वाइकेरियस लर्निंग में क्या, आपने देखा और आप करना शुरू हो गए, आपने बिल्कुल ही अपना कुछ नहीं इसमें दिमाग लगाया। वाइकेरियस लर्निंग मतलब दूसरे की नॉलेज से ही आपने सीख लिया कि उसने जैसे किया हम बिल्कुल वैसे ही करेंगे, अपना उसमें सोचने की जरूरत नहीं है। तो वाइकेरियस लर्निंग क्या होते हैं, अराउज इमोशनल रिएक्शन इन द ऑब्जर्वर एंड दे लर्न थ्रू समवन एल्स नॉलेज। हम किसी और की नॉलेज से ही सीख जाते हैं। तो आप किसी और की नॉलेज से ही सीख रहे हो कि इसमें क्या चीज़ें करनी चाहिए और क्या चीज़ नहीं करनी चाहिए, तो आप उसी से सीख के ये जान जाओ, किसी और को ही देख के ये समझ जाते हो कि क्या मिस्टेक्स हमें नहीं करनी है और क्या चीज़ें हमें करनी है। तो दूसरे के बिहेवियर को ही देख के अपना बिहेवियर चेंज कर लेना एंड उसी के कॉन्सिक्वेंसेस उसी टाइम देख लो कि उसने ऐसा किया तो उसके साथ ऐसा हुआ, तो उसी से आप सीख गए। तो जैसे हम बोलते हैं ना कि दूसरों के ही एक्सपीरियंस से सीख जाना चाहिए ताकि कोई गलती ना हो, वो एक्चुअली वाइकेरियस लर्निंग ही होती है कि जब हम दूसरों की ही मिस्टेक से सीख जाते हैं और उनसे बेटर परफॉर्म कर पाते हैं। सो इसका रिजल्ट क्या होता है कि इंडिविजुअल रिफ्रेन फ्रॉम मेकिंग मिस्टेक, हमने उनकी गलती से सीख लिया और अब हम उनसे ज़्यादा बेटर परफॉर्म कर सकते हैं। तो ये वाइकेरियस लर्निंग। तो ये था इसका थ्योरी का मेजर पार्ट। और इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि मच ऑफ द सोशल लर्निंग अकर्स डेलिबरेटली और इनएविडेंटली बाय ऑब्जर्विंग द एक्चुअल बिहेवियर ऑफ अदर्स एंड कॉन्सिक्वेंसेस फॉर देम। तो ज़्यादातर लर्निंग कैसे होती है, हम देख के सीखते हैं और उसके कॉन्सिक्वेंसेस भी हम देखते हैं कि उसने ऐसा किया तो उसको बाद में क्या फेस करना पड़ा। अनलाइक लर्निंग बाई डूइंग विच रिक्वायर्स ऑल्टरिंग द एक्शंस ऑफ ईच इंडिविजुअल थ्रू रिपीटेड ट्रायल एंड एरर, ऑब्जर्वेशन लर्निंग इज अ सिंगल मॉडल दैट कैन ट्रांसमिट न्यू वेज ऑफ थिंकिंग। तो कह रहे हैं कि एक जो तरीका होता है ट्रायल एंड एरर वाला, जिसमें हम बार बार करके सीखते हैं, उससे ज़्यादा फास्ट ये है कि आप दूसरों का ही देख के सीख जाओ कि वो कैसे कर रहा है और वो गलती ना करो। इवेल्युएशन में बता रहे हैं कि इसमें क्या चीज़ पॉजिटिव है और क्या चीज़ नेगेटिव है इनकी थ्योरी में। तो पॉजिटिव चीज़ ये है कि बहुत एप्लीकेबल थ्योरी है, हम इसको यूज़ कर सकते हैं अपने डेली लर्निंग के लिए। और इसमें ये चीज़ भी एक्सप्लेन करी हुई है कि कैसे बिना रीइन्फोर्समेंट के भी लर्निंग हो जाती है। और वाइकेरियस लर्निंग जो इसमें बताई है वो बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो हम डे टू डे करते ही हैं, दूसरों की गलती से सीखना। लिमिटेशंस क्या है इसमें, लिमिटेशन वही है जो मैंने आपको एक बार पहले भी बोली है कि इसमें बायोलॉजिकल और हार्मोनल प्रोसेस को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया है। तो कुछ लोगों के अंदर कैसे बायोलॉजिकल हार्मोनल प्रोसेस होते हैं जिससे उनकी लर्निंग पे इफेक्ट आ सकता है, वो चीज़ बिल्कुल इग्नोर कर दी है। और दूसरा चीज़ ये है कि बच्चों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किया था इन्होंने, तो डाउट है रिसर्चर्स को कि क्या ये सिर्फ बच्चों पर ही अप्लाई होता है कि ये एडल्ट्स पे भी अप्लाई हो सकता है। तो ये इनकी थ्योरी थी बेंड्यूरा की, सोशल कॉग्निटिव थ्योरी। हम नेक्स्ट थ्योरी जो है आपका नेक्स्ट यूनिट में है, उसको आगे नेक्स्ट वीडियो में ही डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।